नमस्कार आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। और इसमें मैं आप लोग के सामने आज जो मंजा लेके आया हूँ वो है सलीम बाबू का मंजा। तो मेरी ये फर्स्ट इनकी पहली चरखी मेरी, मैंने इससे पहले कोई मंजा इनका ट्राई किया नहीं है। तो ये इसका नाम भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। और इनका एक 1400 रुपये का आता है, मुझे उसका भी नाम नहीं पता। ये मेरी क्योंकि पहली चरखी है और मेरे को नाम इसका उन्होंने जिस तरीके से बताया मुझे याद नहीं रहते हैं, क्योंकि काफ़ी कारीगरों से बात होती है। तो ये कुछ लड़ाकू करके है और दूसरा वाला मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं पता उसका, क्योंकि आजकल कारीगरों के कुछ मंजों के नाम ही इतने ख़तरनाक हो गए हैं तो याद ही नहीं रहते। अभी मैंने एक दो कारीगर से बात करी, उनके तो बहुत ही अलग लेवल के नाम थे मंजों के, तो इसलिए फिर याद ही नहीं रहता ऐसा नाम। इनका तो फिर भी सिंपल है, अब उनका और ख़तरनाक था। तो डोर की बात करते हैं, ये लॉन्ग रेंज पे लड़ाई है मैंने अभी डोर हाली पे, और इसका रिज़ल्ट इतना बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। जैसे कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, लोग कह रहे थे रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, पर मुझे इसका अच्छा मिला रिज़ल्ट। थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा मंजे को और, क्योंकि थोड़ा टूट जा रही है डोर। तो इसके बाद जब टूटने वाली, अभी थोड़ा टाइम रखूँगा, धूप दिखाऊँगा। अभी थोड़ा रेनी सीज़न है, धूप दिखाना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती धूप मत दिखाना अपने मंजे पर। अगर कहीं पर अगर आपका गर्मी पड़ ली अच्छी खासी, वहाँ के लोगों को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है मंजों को। हम लोगों को होती है, हमारे तरफ पहाड़ी इलाके में मॉइस्चर बैठ जाता है मंजे पे, नमी आ जाती है, तो हमें धूप दिखाना ज़रूरी है। तो ये देखिए नंबर आप नोट कर लेना, नंबर पूरा आपको साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए। और इनसे मेरी बात हुई थी, शायद उनके लड़के हैं ये। तो मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए कोई भी मंजा अगर लॉन्ग रेंज पर अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है तो वो मंजा बुरा हो ही नहीं सकता है। और दिक्कत मुझे बस यही आई, सच बताऊँ तो, वो टूट के जाने की। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा मंजे को और रखना चाहिए, किसी अगर मुझे आपको बताना है तो थोड़ा मंजा रखना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही पूरा बताऊँगा। क्योंकि फिनिशिंग मंजे की उड़ा के पता चल जाता है कि मंजे में फिनिशिंग है कि नहीं है, पर मंजे में फिनिशिंग तो है। और अभी देखिए स्मूथ शार्प मंजा है ये, और अभी रेनी सीज़न है मेरा, उसके बाद भी ये सही रिज़ल्ट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि मंजे में अभी तो कोई बुराई नहीं है। और ये ज़बरदस्ती की तारीफ़ नहीं है, काफ़ी लोग कहते हो तुम ज़बरदस्ती की तारीफ़ करते हो। तो देखिए ये मेरी पहली चरखी है, ना मैं मेकर को जानता हूँ और ना मेरे अभी तक दूसरा मंच चरखी आई है इनकी कोई, क्योंकि मेरे पास जो मेरे 3-4 रेगुलर जो मैं कारीगरों से मंजा लेता हूँ, मैं सिर्फ उनका मंजा यूज़ करता हूँ। और मैं आगे बताऊँगा कौन कौन से कारीगरों के मंजे मैं यूज़ करता हूँ अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कभी फ्यूचर में बताऊंगा आपको। तो रेगुलर मैं हर किसी का मंजा ट्राई नहीं करता हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ 3-4 कारीगरों के मंजा ही लेता हूं। और ये देखिए इसमें फिनिशिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो मंजा मैं रखूंगा, फिर आपको रिज़ल्ट बताऊँगा, क्योंकि अब तो सीज़न स्टार्ट हो गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आप लोगों को रिज़ल्ट कैसा मिला इसका आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या कमी थी ये भी बताना, और कितने पहले आप लोगों ने ट्राई किया मंजे आते ही तो ट्राई नहीं किया, क्योंकि कुछ मंजे केमिकल वाले होते हैं वो आते ही ट्राई कर लो, कुछ मंजे क्या होते हैं आपके थोड़े टाइम लेते हैं, 3 महीना 6 महीना आपको रखना पड़ता है, कुछ कुछ मंजों को तो 6 महीना भी रखना पड़ता है, जितना रखोगे उतना अच्छा रिजल्ट। और मंजे में आपको नमी नहीं आने देनी है, अगर नमी आ गई तो आपका मंजा पूरा ख़राब हो जाना है, फिर आप वो क्यों चरखी फिर किसी काम की नहीं, आपको दोबारा सुतवानी पड़ेगी वो किसी कारीगर से। तो ये लीजिए फिर से आप कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए, नोट कर लेना, मंगाना, जिसको इंटरेस्टेड जो है वो ले सकता है, ठीक है। और अभी तक मैं कमी आपको बता दी, कमी बस ये आई थी टूटने की, बाकी मंजे में कोई कमी नहीं है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्दी लेके आऊँगा कोई और कारीगर की, काफ़ी कारीगर हैं अभी तो मेरे अभी पड़ी हैं चरखियाँ, उनका मंजा लाना है। और आपको बताना है कि मैं कौन से कारीगरों का मंजा सिर्फ यूज़ करता हूँ, मैं सब कारीगरों का यूज़ नहीं करता हूँ। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।